बैक टू माई चैनल। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ अभी। तो मैं आज आपको बता दूँ कि आज है महालक्ष्मी का व्रत। जो घर की बहुएँ रहती हैं, मतलब कोई भी रह सकता है, पर मेन बहुओं के लिए होता है कि महालक्ष्मी, वो घर की लक्ष्मियाँ होती हैं, तो घर के लिए उन्हें रहना पड़ता है। मतलब जिसकी इच्छा हो वो रह सकता है, जिसकी ना हो वो ना भी रहे, पर मेरे अकॉर्डिंग तो रहना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी हमारे यहाँ महालक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, कैसे इसका पूजा पाठ किया जाता है। तो आज मुझे करनी है पूजा की तैयारी। तो हमारे यहाँ होती है, मतलब इवनिंग टाइम होती है यहाँ पे पूजा। तो उसमें क्या है कि जो लक्ष्मी जी को, मतलब हाथी की पूजा की जाती है, तो उसमें क्या है, सुरा कहते हैं उसको। तो मतलब वो, मतलब गुड़ के और आटे के बनते हैं। तो वो मैं बनाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं आती हैं, फिर हम लोग साथ में पूजा करते हैं। तो मैं बताऊँगी आज कि कैसे हमारे यहाँ पूजा की जाती है। मैंने पहनी है ये रेड कलर की चुनरिया प्रिंट की ये साड़ी। मैंने सोचा आज सब रेड है, तो मैंने रेड चूड़ा भी पहन लिया है। और आपको कैसी लग रही है साड़ी? तो मैंने कहा आप थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाए, थोड़ा सजवज धर लिया जाए, क्योंकि अपन मतलब फेस्टिवल में ही या कोई त्यौहार व्रत में ही थोड़ा बहुत तैयार हो पाते हैं, और महिलाओं को तो फुर्सत ही नहीं मिलती अपने बच्चों को और घर परिवार वालों को, खाना पीना ये वो लगा ही रहता, तो वो अपने लिए कुछ टाइम ही नहीं निकाल पाती। बस ऐसा टाइम मिलता है जिसमें कुछ कर सकते हैं अपने लिए। तो आप देखिए थोड़ी बहुत रेडी हुई। तो अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर भगवान का पूरा मतलब तैयारी करके पूजा पाठ की, और थोड़ा सा फलाहार किया है। हमारे यहाँ एक टाइम मतलब फलाहार करते हैं और एक टाइम नमक लेते हैं। तो हम लोगों ने फ्रूट्स ले लिए थे, तो हम लोगों ने सोचा अभी थोड़ा टाइम है, तो पूजा हमारे यहाँ शाम को होती है 5-6 बजे। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा आराम कर ले, फिर पूजा हो गई तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर खाना पीना रहता है घर का। तो हम लोग ने सोचा थोड़ा सो लें। मैंने अपने बेटे को सुला दिया है, सो रहा है। जब बच्चे सो जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बिल्कुल फ्री हो गए, जो चाहे कर लो। नहीं बच्चे परेशान भी करते रहते हैं, फिर काम भी करो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैंने अपना हेयर वॉश किया था आज, थोड़ा गीले हैं तो मैंने सोचा बाल खोल लूँ आज, थोड़ा सूख जाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सोने के लिए, फिर आपसे इवनिंग में बात करते हैं और आपको बताते हैं हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है। तो कीप वॉचिंग। सभी महिलाएं आ चुकी हैं, सब अपने गपशप कर रही हैं, क्योंकि गुरुजी अभी आए नहीं थे तो अब आने वाले हैं। तो गुरुजी आ चुके हैं। जो येलो या कलर की साड़ी पहनी है वो मेरी सासू माँ है, तो हवन की तैयारी भी हो चुकी है और हम लोगों ने कथा भी सुन ली है। तो कथा समाप्त हो गई है, तो अब सब महिलाएं करेंगी हवन। तो अब इसके बाद हमारे यहाँ आरती होगी। कथा हो चुकी है, मैं कथा का वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि कोई था नहीं शूट करने के लिए, सब बच्चे बाहर थे, और जो शूट करती है मेरी जेठानी की लड़की वो भी बाहर गई हुई थी। तो आप देखिए मेरे यहाँ ऐसी पूजा की जाती है, और आज के दिन महालक्ष्मी व्रत के दिन हाथी की पूजा की जाती है। उसमें 16 दिए चढ़ाए जाते हैं, उन्हें जलाया जाता है, और सब मतलब जो उनके लिए प्रसाद लक्ष्मी माँ के लिए बनाया जाता है वो चढ़ाया जाता है। बत्तियाँ, बुचियाँ, मतलब
फ्रूट्स सभी चढ़ाया जाता है। तो अब हवन की तैयारी हो चुकी है, अब सब हवन करेंगी, फिर उसके बाद आरती होगी, फिर जो लक्ष्मी जी हैं उनकी विदाई की जाएगी। तो आप आगे देखिए कैसे हम लोग व्रत की पूजा करते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कैसे बात करती हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी न्यू यूट्यूबर हूँ तो मुझे बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट लगता है और मैं समझ नहीं पाती हूँ, बोल नहीं पाती मुझे क्या बोलना है, तो आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए आगे। कोई बाधा मैया बाज ना, कोई बाधा खान पान का वैभव खान। आरती हो चुकी है, अब गुरु जी को संकल्प दिया जाएगा। अब देखिए कितनी सुंदर लग रही है पूजा, सभी दिए जल चुके हैं, अब सब महिलाएं अपना प्रसाद लेंगी और अपने अपने घर जाएंगी। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल और मुझे सपोर्ट प्लीज़ करिएगा। थैंक यू।